हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट प्राइम। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएएमएस का कट ऑफ फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस राउंड 3 एंड द ईयर इज 2023। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस से। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो राउंड 3 का ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है दैट इज 471 मार्क्स, जो कि राउंड 2 के अंदर 476 मार्क्स था। तो हमें -5 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ओबीसी कैटेगरी वेयर द कट ऑफ फॉर दिस राउंड इज 467 मार्क्स। एंड आप सबकी रैंक्स भी देख सकते हैं, मैंने ऑल इंडिया रैंक मेंशन किए हैं इनकी। तो इसके अंदर लास्ट राउंड में जो कट ऑफ था राउंड 2 का दैट वाज 475 एंड 8 मार्क्स का डिक्रीज हुआ है मार्क्स। ओके नाउ वी विल मूव टू ईडब्ल्यूएस कोटा। तो इसका भी सेम 467 मार्क्स एंड आप रैंक देख सकते हैं। एंड लास्ट इसमें भी आप देख सकते थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख ले आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। एनटीडी के लिए 456 मार्क्स जो इस बार का कट ऑफ है। एंड लास्ट टाइम जो था इट वॉज 478, सो अ मैसिव डिक्रीज वी हैव सीन दिस टाइम। सो इट इज समवेयर अराउंड 22 मार्क्स, हमें 22 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड आप रैंक भी देख सकते हैं, इट इज अराउंड 1,55,895 मार्क्स। नाउ वी विल कम टू एनटीसी, इट इज 454 मार्क्स एंड 12 मार्क्स का फर्क देखने में मिल रहा है हमें, क्योंकि लास्ट राउंड में राउंड 2 के अंदर 466 मार्क्स था कट ऑफ इसका। यू कैन चेक द रैंक एज वेल। नाउ वी विल कम टू एनटीबी, एनटीबी 410 410, एंड यू कैन सी द रैंक। एंड लास्ट टाइम जो था इसका कट ऑफ था 425 मार्क्स। नाउ वी विल मूव टू वीजेए, विमुक्त जाति ए, 444 444 इस बार का कट ऑफ है। एंड लास्ट टाइम इट वॉज 449, तो ज़्यादा फर्क देखने नहीं मिला है एज कम्पेयर टू एनटी कैटेगरीज। तो हमें सिर्फ 5 मार्क का फर्क देखने मिला है, क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ था इट वॉज अराउंड 449 मार्क्स, या इट वॉज 449 ओनली। नाउ वी कैन सी एससी कैटेगरी। ओके फॉर एससी कैटेगरी इट इज 404 मार्क्स एंड लास्ट टाइम इट वॉज 412 मार्क्स। एंड जैसा कि आपने, आपको पता होगा कि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिला था एससी एंड एसटी कैटेगरी में, बट यहाँ पे हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मतलब 8 मार्क्स इज लाइक फाइन, अच्छा डिफरेंस है। ओके लास्टली वी विल कम टू एसटी कैटेगरी, तो 301 मार्क्स एंड रैंक आप देख सकते हैं 4,16,982। एंड जो लास्ट राउंड में जो कट ऑफ था इट वॉज 306 एंड इस बार 301 है। तो दिस इज फॉर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस। नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्राइवेट और द सेमी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस। ओके नाउ वी विल कम टू प्राइवेट कॉलेजेस और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है दिस इज 348 मार्क्स एंड जो लास्ट राउंड में जो था इट वॉज समवेयर अराउंड 356 मार्क्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स का फर्क देखने मिल रहा है हमें, आप रैंक भी देख सकते हैं। नाउ ओबीसी कैटेगरी के लिए इट इज 346 मार्क्स, तो लास्ट टाइम इट वॉज 354 मार्क्स, अगेन 8 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें। ईडब्ल्यूएस नहीं होता है प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट इफ यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी और इफ यू आर अ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यू कैन ऑब्वियसली अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्कॉलरशिप। महाराष्ट्र की जो स्कॉलरशिप होती है आप उसे ले सकते हैं, जिससे आपकी कुछ अमाउंट जो फीस होती है वो रिइम्बर्स हो जाती है। फाइन, तो
EWS तो नहीं होती है एंड SC ST को फ्री शिप होती है, SC ST कैटेगरी के लिए फ्री शिप होती है। ओके और नेक्स्ट है हमारा NTD कैटेगरी, तो इसका 350 कट ऑफ है, लास्ट टाइम इट वॉज 355 मार्क्स। ओके तो अभी 5 मार्क्स का से कम हुआ है, यू कैन सी द रैंक। नाउ वी विल मूव टू NTC कैटेगरी, इट इज 347 मार्क्स एंड रैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे। NTB के लिए 340 मार्क्स का कट ऑफ है इस बार एंड रैंक यू कैन सी VJA इट इज 344 मार्क्स एंड जो लास्ट राउंड में जो कट ऑफ था इट वॉज 349 मार्क्स, तो 5 मार्क्स का फर्क पड़ा है इसमें। SC कैटेगरी के लिए इट इज 343 मार्क्स एंड लास्ट जो था इट वॉज 348 मार्क्स, तो यहाँ पे भी हमें फर्क देखने मिल रहा है क्योंकि राउंड 1 एंड राउंड 2 के बीच में इतना डिफरेंस हमें बिल्कुल नहीं दिखा था। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एक आध मार्क्स का फर्क था, तो उसे तो एकदम नेग्लिजिबल ही बोलेंगे हम लोग, बट इसमें हमें फर्क देखने को मिला है SC कैटेगरी में। बट स्टिल देर इज नो चेंज इन द ST कैटेगरी, द ST कैटेगरी कट ऑफ रिमेन्स द सेम। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब अगला राउंड, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगला राउंड होगा या नहीं, तो आई वुड से कि पक्का यहाँ से अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाएगी, अगला जो भी है शेड्यूल अब वो लोग जल्दी जारी कर देंगे इसका एज पर द वैकेंसी ऑफ सीट्स एंड उसके हिसाब से कट ऑफ की प्रेडिक्शन करें। तो वो तो वैकेंसी जब आएगी, जब सीट मैट्रिक्स आएंगी हम आपको तभी बता पाएंगे अच्छे से, बट एक रफ अंदाज़ा लगा ले तो 3 से 4 मार्क का और फर्क पड़ सकता है, 2 से 7 अगर आप अच्छे रेंज में लें तो 2 to 7 मार्क्स का और डिक्रीज हो जाएगा कट ऑफ। तो यहीं वीडियो को एंड करते हैं इतने में ही, थैंक यू।